ये मोस्टली लोग इसी चक्कर में उनके क्लेम या तो कम सेटल होते हैं या नहीं सेटल होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, तो जब आप पॉलिसी बाय करें तो मैक्सिमम आप ये ध्यान रखें कि भाई मेरा साल भर में ना 50 लाख की पॉलिसी अगर आप ले रहे हो, तो आप एक बार आपको लगता है कि मेरा एट अ टाइम या दिन साल में 2 या 3 बार फ्लक्चुएट करके 70 चला जाता है या कुछ चला जाता है, तो आप ना एक बार 70 की भी कोटेशन लो और 50 की भी लो और डिफरेंस देखो। अगर आपको नहीं है तो आपको आट एक्चुअल लेनी चाहिए, क्योंकि IRDA की भी पॉलिसी का जो नियम है वो ये कहती है कि अगर आपका वैल्यू इंश्योरेंस की और जो सामान रखा है जिस टाइम मिसहैपनिंग हो गई वो उसके बराबर है तभी क्लेम सेटल होता है, या 10% का हेयर फॉल हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो फिर क्लेम अंडर वैल्यू हो जाता है और अंडर वैल्यू सेटल होता है। अब जैसे आपने कहा कि फेस्टिवल के टाइम पे ये ऐसे होता है, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो पॉलिसी आपकी 6 महीने के लिए चली और 6 महीने के लिए चलने के बाद क्या हुआ कि दिवाली का टाइम आ रहा है और शॉप वालों ने स्टॉक रखा, जब स्टॉक रखने से स्टॉक की बढ़ गया 70 लाख का हो गया, तो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट या ब्रोकर इंश्योरेंस कंपनी को बोल सकते हो कि सर मेरा आगे के लिए ना आप मेरी वैल्यू आप बढ़ा लीजिए, मैंने स्टॉक अब 80 लाख या 1 करोड़ का कर लिया है। तो कंपनी क्या करती है बेसिकली, जब पॉलिसी देखेगी कि 4 महीने के लिए बची है तो 4 महीने के लिए बची तो वो क्या करेगी, प्रो राटा बेसिस पे 4 महीने का आपसे प्रीमियम चार्ज कर देगी कि 40 लाख रुपए आपके और बढ़ गए, तो जैसे आपने 80 कहा तो उस हिसाब से आपका सेटल हो जाता है। तो जो आपने जो भी प्रीमियम दिया न्यूनतम 3-4-8-7-8 हजार रुपए जो भी आपका बनता है वो आप पे करके आप पूरे तरीके से सुरक्षित होकर अपना बिजनेस कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं। जी बहुत जगह हिंदुस्तान में जब बहुत बारिश आती है जैसे कि बेसमेंट भी होता है तो पानी घुस गया और हो गया खराब, तो इसमें सीधी सी बात है मैं एग्जाम्पल गारमेंट की उसमें कहूंगा, तो मान लीजिए कि कहीं बाढ़ आई शहर में और उस चक्कर में क्या है कि दुकान में भी पानी भर गया और आपका जो माल है सारा गारमेंट का पूरा खराब हो गया, अब इस टाइम क्या है कि वो बिल्कुल बचा नहीं, तो उसका प्रोसेस ये होता है कि आप सीधे इंश्योरेंस कंपनी को या ब्रोकर को फोन करते हो और ब्रोकर एक सर्वेयर अपॉइंट इंश्योरेंस कंपनी को बताता है और फिर एक सर्वेयर अपॉइंट किया जाता है, सर्वेयर आके स्पॉट सर्वे करता है और देखता है कि भाई आपकी क्या हाल बचा है और क्या कंडीशन है आपके माल की और अब क्या है, अगर उसमें पाया जाता है कि माल बिल्कुल खराब हो चुका है, जैसे मैं एग्जांपल स्टेशनरी का ले लूं, स्टेशनरी में पूरा माल मटेरियल गल के खराब हो गया और खत्म हो गया, तो इस केस में वो देखता है, तो फिर जितने का भी आपने पॉलिसी ली है, मान लीजिए आपने 50 लाख की पॉलिसी ली है और 50 लाख का ही मैं मान के चलता हूँ कि स्टॉक था, तो लगभग आपको पूरा जो पॉलिसी के हिसाब से पूरा आपको लगभग सेटल हो जाता है।